हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वनिताज वर्ल्ड। आज मैं शेयर करने वाली हूँ सोया मंचूरियन की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना और ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है इसको बनाने में। सिर्फ आपको चाहिए सोया वड़ी और साथ में कुछ सब्जियाँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये टेस्टी सोया मंचूरियन। सोया मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सोया नगेट्स लिए हैं, मतलब कि सोया की वड़ी ली है जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। 1.5 कप मैंने ये लिया है। इसके साथ में मैं सब्जियाँ जो डालूंगी वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़, उसको मैंने इस तरह से चौकोर काट लिया है। आप चाहें तो और बड़े टुकड़े भी रख सकते हैं। उसके साथ में मैंने लिया है 1 गाजर, जिसको मैंने इस तरह से पतला पतला रखा है। अगर आप चाहें तो लंबा लंबा भी रख सकते हैं काट के। ये मैंने काट के रखा है प्याज, जिसको मैंने लंबा लंबा काटा है, और 2 प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज़। तो इस तरह से मैंने पतला पतला काटा है। आप चाहें तो इसको चौकोर पीस में भी काट सकते हैं, जिस तरह से मैंने गाजर काटी है उस तरह से भी काट सकते हैं। साथ में मैंने 2 शिमला मिर्च काट के रखी है इस तरह से चौकोर। 2 शिमला मिर्च बहुत ही छोटी साइज़ वाली थी, तो मैंने 2 काटी हैं इस तरह से चौकोर चौकोर। आप चाहें तो इसको लंबा भी काट के रख सकते हैं। और चाहिए मैंने ये लिया है लहसुन, जिसको मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है, इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अदरक मैंने 1 चम्मच के करीब ली है, जिसको मैंने पतला पतला काट लिया। और लिए साथ में हरी मिर्च, 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है। तो सबसे पहले जो सोया वड़ी है इसको मैं बॉईल करूँगी ताकि ये मुलायम हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। पैन में मैं डाल रही हूँ ये पानी। 1.5 कप मैंने ली है सोया वड़ी, उसमें मैं 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। बड़ा कप है, 1 कप मैंने पानी डाल दिया है और सोया वड़ी मैंने इसमें डाल दी है। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी ये लहसुन, थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैंने लहसुन डाला है। और थोड़ा सा मैं अदरक डाल रही हूँ इसमें। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि इनका टेस्ट आ जाए इसमें। और ये मैंने कुछ हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाला है, और ये मैंने सोया सॉस डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसलिए बॉईल कर रही हूँ सोया वड़ी को, ताकि हमारी सोया वड़ी में अच्छा सा इन सभी चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। 2 तरीके से हम इनको बॉईल कर सकते हैं। या तो पानी को इसी तरह से सूखने दें, मतलब कि जब तक वड़ियाँ सारा पानी अब्सॉर्ब ना कर लें तब तक पानी को सूखने दें, या फिर हम इस पानी को स्ट्रेन कर सकते हैं, पानी को हटा सकते हैं। तो ये सोया वड़ी जो है ये सॉफ्ट हो चुकी है, इसका पानी मैं निकाल देती हूँ। मैंने स्ट्रेन कर लिया था हर चीज़ को, तो पानी मैंने हटा दिया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च डाली थी, ये स्ट्रेन करने के बाद हर चीज़ अलग हो गई है, तो ये इसी में पड़ी हुई है। अब थोड़ा बहुत जो पानी रह गया है उसको मैं इस तरह से सुखा देती हूँ। अगर आपने कम पानी डाला है और आप चाहते हैं कि पानी को स्ट्रेन ना करें, तो फिर पानी को इसी तरह से सुखा भी सकते हैं चला चला के। आप इसमें हर चीज़ पड़ी हुई है, मैंने पानी स्ट्रेन कर दिया था, उसके बाद इसमें जो अदरक लहसुन जो हमने डाला था वो सारा पड़ा हुआ है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ गया है। ये देखिए अच्छे से फूल चुकी है और ये सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो ये वड़ी में पानी आप देख रहे हैं, ये मैंने पूरी तरह से निचोड़ा नहीं है वड़ी को, ताकि इसका जो सॉफ्टनेस है वो इसी तरह से बनी रहे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा। तो ये 4 चम्मच के करीब मैदा मैंने ली है, तो मैं 4 चम्मच इसमें मैदा ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है या फिर आरारोट है वो भी आप मिक्स कर सकते हैं इसमें। तो ये 4 चम्मच के करीब मैं इसमें मैदा मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छे से कोट हो जाए हमारी सोया वड़ी। इस स्टेज पे अगर आप अदरक लहसुन और डालना चाहते हैं ऊपर से, तो आप डाल सकते हैं। वैसे जो हमने इसको बॉईल करते टाइम डाला था वो इसमें पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अब मैं हाथों से इसको अच्छे से कोट कर रही हूँ, ताकि जो सोया वड़ी के अंदर पानी है वो मैदा जो है वो अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर ले। तो ये इस तरीके से अच्छे से कोट हो चुकी है, और अब हम इसको करेंगे डीप फ्राई। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने ये पैन ले लिया है, इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप जो यूज़ करते हैं रेगुलर घर में वो यूज़ कर सकते हैं। और एक एक करके मैं इसमें ये सोया वड़ी डाल दूंगी। इस तरह से एक एक करके अगर आप डालेंगे तो ये चिपकेगी नहीं, अलग अलग रहेंगी वड़ी। तो इस तरह से मैंने एक बैच जो है वो सोया वड़ी का डाल दिया है, और इसको मैं मीडियम से हाई फ्लेम पे ही पकाऊंगी, ताकि ये जल्दी से पक जाए। सिर्फ हमें ऊपर की जो मैदा है उसको क्रिस्प करना है, क्योंकि अंदर जो है सोया वड़ी वो हमारी पकी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि हमने उसे बॉईल किया था। तो ये ऊपर से अच्छा सा क्रिस्प आ जाएगा, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, तो ये अच्छे से सोया वड़ी मेरी फ्राई हो चुकी है और क्रिस्पी लेयर आ गई है एक मैदा के ऊपर। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरह से सेकंड बैच भी डाल दूँगी सोया वड़ी का।
तो अब मंचूरियन हमें तैयार करना है, उसके लिए मैंने वही पैन ले लिया है, उसमें सिर्फ 2 चम्मच ऑयल छोड़ा है और ये मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन जो हमने काट के रखा था, और ये 1 चम्मच के करीब हमने अदरक डाल दी है, 2 मैंने सूखी लाल मिर्च ली है साबुत वाली, और इसको अच्छे से हमें कच्चा कच्चा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का कच्चा कच्चा फ्राई करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है मंचूरियन में। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये शिमला मिर्च, और इसको भी हल्का हल्का पकाना है। आप चाहें तो पहले प्याज थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं, उसके बाद शिमला मिर्च डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च पहले डाल दी और इसके साथ में अब मैं प्याज भी डाल रही हूँ एक साइड करके, और इसको अच्छे से चला लेना है। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जैसे हम नॉर्मली सब्ज़ी पकाते हैं उस तरह से नहीं पकाना है, हल्का कच्चा कच्चा रखना है क्योंकि मंचूरियन में कच्ची सब्जियों का ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है जो हमने गाजर काट के रखी थी, छोटे छोटे टुकड़े करके रखे थे, वो डाल दिया है मैंने। तो ये सारी सब्जियां डालने के बाद गैस को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में रखना है, और इस तरह से सब्जियों को जल्दी जल्दी सौते करना है बस। और उसके बाद अब मैं डाल दे रही हूँ ये टमाटर जो हमने काट के रखा था, इसको भी हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से सौते करेंगे थोड़ी देर के लिए, 2 से 4 मिनट के लिए बस। तो टमाटर को भी थोड़ा सा सौते करने के बाद अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, बहुत ही कम नमक डाल रही हूँ क्योंकि सोया वड़ी को जब हम बॉईल कर रहे थे तब भी मैंने नमक डाला था, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है। नमक डाल के थोड़ा सा सौते करने के बाद अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी कम से कम 2 मिनट के लिए बस, मैक्सिमम 2 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी ताकि जो इसमें गाजर पड़ी है वो थोड़ी सी गल जाए और जो टमाटर है वो थोड़ा सा गल जाए बस। तो ये 2 मिनट बाद मैंने लेड हटा दिया है और गाजर जो है वो हल्की सॉफ्ट हो चुकी है और टमाटर भी पक चुका है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा और सौते करूँगी, और ये हल्का सा चलाने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी कुछ सॉस। तो ये सबसे पहले मैंने 2 चम्मच के करीब वाइट विनेगर डाला है, 1 चम्मच सोया सॉस और 1.5 चम्मच डाल रही हूँ ये टमेटो सॉस, साथ में डाल रही हूँ कुछ क्रश की हुई काली मिर्च या काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से चला लेना है, बस थोड़ा सा सौते करना है सॉस को इस तरह से। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये सोया वड़ी जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी, तो ये सारी सोया वड़ी मैंने डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इस टाइम पे आपको ज़रूरी नहीं है कि गैस ऑन ही रखनी है क्योंकि हर चीज़ हमारी पकी हुई है पहले से, बस सोया वड़ी डालिए और अच्छे से मिला के एक बार और गैस बंद कर दीजिए। अब मैं इसको गार्निश करते रही हूँ कुछ धनिया से, ताज़े ताज़े धनिया के पत्तों से, और बस ये हमारा सोया मंचूरियन बनके तैयार है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।